राजस्थान में 3 दिसंबर चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। इससे पहले दोनों ही पार्टियां अपनी जीत का दावा कर रही हैं। प्रदेश की सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस का मानना है कि उसे स्पष्ट बहुमत मिलेगा, सरकार बनाने के लिए किसी अन्य दल के साथ जोड़तोड़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं बीजेपी का दावा है कि वो 130 से ज्यादा सीटें जीतेगी। ऐसे में राजस्थान की जनता का मूड देखते हुए दोनों ही पार्टियों ने प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया है। बीजेपी और कांग्रेस की नजरें अब निर्दलीय और अन्य दलों पर हैं। वहीं बीजेपी के रणनीतिकार पार्टी उम्मीदवारों से फीडबैक ले रहे हैं। फिलहाल दोनों ही दलों के रणनीतिकार फोन मिलाए जा रहे हैं और जोड़ तोड़ के प्लान पर काम चल रहा है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने जोड़ तोड़ से इनकार कर दिया है। डोटासरा का साफ कहना है कि कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलेगा, जोड़ तोड़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीसीसी चीफ ने दावा किया कि राजस्थान में इस बार हम रिवाज बदलेंगे, गहलोत सरकार की योजनाओं के दम पर सत्ता हासिल करेंगे। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का दावा है कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलेगा, इस बार बीजेपी 130 से ज्यादा सीटें जीतेगी। इस बार भी ट्रेंड सत्ता बदलने का रहेगा, रिवाज नहीं बदलेगा, गहलोत सरकार से लोग परेशान हो गए। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि जो भी निर्दलीय और बागी होकर चुनाव लड़े हैं, उन्होंने हमारा पिछला कार्यकाल देखा है, वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, कांग्रेस के साथ आएंगे। पिछली बार भी सभी निर्दलीय और अन्य दलों के लोगों ने हमारा समर्थन किया था, आगे भी ऐसा ट्रेंड रहेगा, वैसे हमको पूर्ण बहुमत मिल रहा है। आपको बता दें, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस ने 99 सीटें जीती थी, जबकि बहुमत के लिए 101 विधायक चाहिए थे। सीएम गहलोत ने बड़ी चतुराई से निर्दलीय और बाद में बसपा के 6 विधायकों का समर्थन हासिल करके बहुमत से ज्यादा का आंकड़ा जुटा लिया था। वहीं अगर कांग्रेस के भीतर की आपसी लड़ाई की बात करें तो सचिन पायलट की स्थिति पर नजर डालिएगा तो अगर कांग्रेस की सीटें कम होती हैं, लेकिन सचिन पायलट के समर्थकों की संख्या जरूरत भर होती है और बीजेपी बेहतर स्थिति में हो जाती है तो सचिन पायलट के दोनों हाथों में लड्डू हो सकता है। मतलब सचिन पायलट की ऐसी स्थिति बन सकती है कि बेहतर डील के लिए वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के साथ मोलभाव कर सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तो एक बयान देकर अपने हिसाब से अशोक गहलोत की हार पहले ही तय कर दी थी। राहुल गांधी का कहना था कि 4 राज्यों में तो कांग्रेस चुनाव जीतने जा रही है, सिर्फ राजस्थान में कांटे की लड़ाई है। बची खुची कसर राहुल गांधी ने आखिरी दौर में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती और जेब कतरा बोलकर पूरी कर दी। अगर राहुल गांधी के बयान का कोई असर होता है तो नुकसान गहलोत का होगा। जबकि सचिन पायलट की इस बार बड़ी ही सीमित भूमिका रही। पिछली बार सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। उम्मीदवारों के नाम पर फाइनल दस्तखत और मुहर पीसीसी अध्यक्ष की ही होती है, लेकिन अब अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हैं और अशोक गहलोत की पिछली बार के मुकाबले चली भी ज्यादा है। चली क्या, सब कुछ तो वही तय कर रहे थे। अशोक गहलोत की तो टिकट बंटवारे में इतनी चली कि केंद्रीय चुनाव समिति भी परेशान थी, क्योंकि कई सीटों के लिए अशोक गहलोत ने एक ही नाम भेजे थे। चुनाव कैंपेन के आखिर में अशोक गहलोत ने सचिन पायलट से पैचअप करने की कोशिश जरूर की, बयानों में तो इसकी झलक मिली ही, कहीं कहीं दोनों के साथ पोस्टर भी लगाए गए। ऐसे में सचिन पायलट की तभी कोई हैसियत होगी जब उनके खास उम्मीदवार चुनाव जीत जाते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।